वेलकम दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं थिंग्स मेड इजी। आज की हमारी वीडियो है रिलेटेड टू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आज हम सिखाएंगे आपको स्क्वायर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स इस सेशन का नाम दिया है मैंने। ज़रूरी नहीं है कि इसी वीडियो में स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स दोनों की आपको वीडियो मिले। तो मैं देख लेता हूँ कि आपको अभी स्क्वायर कितनी है, स्क्वायर रूट्स की वो लाइन बाय लाइन चलता रहेगा। तुम्हारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होने चाहिए। और हाँ हाँ हाँ, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं नहीं चाहता कि किसी को हमारी वीडियो अच्छी लगे और बिना सब्सक्राइब करे चले जाए, हमारे से हो जाएगी ना इंसाफी, जो हम नहीं होने देना चाहते। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, बोर आप बिल्कुल नहीं होंगे, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। बस सुनते रहिए मेरी आवाज़ और चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो में जो पहला स्क्वायर है, तो पहली ट्रिक जो है वो है स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स नियर 100। मतलब जो भी नंबर्स हैं जो 100 के करीब होते हैं उनका स्क्वायर हमें कैसे निकालना होता है। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ओरिएंटेड स्टडी हम करते हैं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए और इंटरेस्टिंग बना रहे। इंटरेस्टिंग से याद आया कि ये वीडियो हमारी उतनी इंटरेस्टिंग है जितनी कि आप इसे सोच रहे हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं 98 का। जैसे आपको 98 का करना है स्क्वायर, ठीक है। तो 98 का स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको देखना पड़ेगा कि 98 100 से कितना कम है, या फिर जो भी नंबर आपको मिला है वो 100 से कितना कम है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 98 इज टू लेस, 98 इज टू लेस देन 100। तो जो 98 है वो 100 से दो कम है। जो दो कम है आपको क्या करना है, अब ये जो दो या फिर आपका लेस नंबर आया है इसका आपको स्क्वायर कर लेना है। तो आते हैं अब स्टेप्स पे। तो स्टेप वन क्या है, स्क्वायर द लेस नंबर। लेस नंबर आपका जो आया है वो है टू, तो टू का मैं कर लूँगा स्क्वायर, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 4। अब जो स्टेप टू है उसका स्टेप, ये स्टेप टू हमारा अभी बाद में इन्वॉल्व होगा। सबसे पहले तो ये आपका जो टू आया है, ये 4 आया, इसका क्या करना है आपको, इस 4 को आपको कर लेना है 04। देखिए जब भी आप ऐसा कोई सवाल कर रहे हैं और आपके पास इन दो लेस डिजिट्स का सम आता है सिंगल डिजिट में, तो आपको उससे पहले लगा देना है 10। 10 लगा देना है। अगर आपका डबल डिजिट में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिंगल डिजिट में आपका आंसर आ रहा है जिसमें मेरा 4 आया है, आपको लगा देना है उसके आगे 10, ताकि इसे आप डबल डिजिट का बना सकें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट द लेस नंबर फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। इसका मतलब क्या है, जो भी आपके पास लेस नंबर है, लेस नंबर है यानी कि हमारा 2 और ओरिजिनल नंबर है हमारा 98, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली ओरिजिनल नंबर में से लेस नंबर को माइनस कर देना है। मतलब 98 माइनस 96 इक्वल टू हो जाएगा, 96 कहाँ से आ गया, माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 96, ठीक है। वो आंसर ही मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो अभी आपके पास आ गई हैं दो चीज़ें आ गई, तो 04 आ गया है और एक 96 आ गया है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके लेस नंबर का सम आता है फिर स्क्वायर आता है उसे आपको प्लेस करना है बाद में। पहले क्या प्लेस करना है आपको, जो आपका सब्ट्रैक्ट करके आया यानी 96 आपको पहले प्लेस करना है और फिर 04 आपको प्लेस करना है। तो ये थी हमारी पहली शॉर्ट ट्रिक, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल टू हम इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल टू ले लेते हैं, 96 ले लेते हैं, इस बार 96 का स्क्वायर करना है हमें। 96 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले मैं इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, 4 लेस देन 100 है हमारा 96, ठीक है। स्टेप टू है स्क्वायर द लेस नंबर, तो 4 कम कर लेंगे स्क्वायर, फोर काम कर लेंगे स्क्वायर, ये आएगा 16, ठीक है। अब 16 जो हमारा आ चुका है,
इसको हमें क्या करना है, लास्ट में रखना है, दो डिजिट का नंबर है, जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है जो लेस नंबर है ओरिजिनल से माइनस कर देना, तो 96 में से हम माइनस कर देंगे 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एज 92। तो अब जब हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं अब हम इन्हें लिख लेंगे एक साथ। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक का सेकंड एग्जांपल और ये था हमारा आंसर। आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, पक्का 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 लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल ऐसे ट्रिक्स देखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की ओर। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट ट्रिक क्या है, हमारी नेक्स्ट ट्रिक है ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो एंड करते हैं 6 में, नंबर्स एंडिंग एंडिंग इन 6। तो ऐसे नंबर्स जो 6 में एंड करते हैं उनका स्क्वायर निकालने के लिए हमारी है ये नेक्स्ट ट्रिक। तो नेक्स्ट ट्रिक में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल हो गया, चलिए 76 हो गया हमारा पहला एग्जांपल। 76 का हमें निकालना है स्क्वायर, स्क्वायर कह लीजिए, स्क्वायर निकालना है। तो 76 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका लास्ट डिजिट है, तो ये तो मान लीजिए कि जितने भी 76 के स्क्वायर नंबर्स होंगे उनके एट लास्ट का जो डिजिट आएगा वो आएगा लास्ट। तो स्टेप वन बिना पूछे मैं ऐसे लिख देता हूँ, पुट 6 एट वंस प्लेस, पुट हो गया, पुट 6 एट वंस प्लेस। तो आपको 6 डायरेक्टली वंस प्लेस पर रख देना है उन स्क्वायर नंबर्स के लिए जो 6 में एंड करते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, स्टेप देख लेते हैं। स्टेप वन, मल्टीप्लाई द टेंस नंबर विद, सॉरी स्टेप वन में आपको क्या करना है, देखिए ये तो मैं थोड़ा गलत लिख दिया था। तो 76 जो आपका नंबर आया है, 76 जो नंबर है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 7+1 यानी जो भी आपके पास नंबर है टेंस डिजिट पे उसमें आपको 1 ऐड कर लेना है। ओके, ऐड कर लेंगे आप 8 आ जाएगा। ये मैं पूरा टेबुलर पूरा वैसे थ्योरी फॉर्म में इसलिए लिख रहा क्योंकि आपको समझ आ जाएगा ये ज़्यादा अच्छे से जब आप देखेंगे इसका पूरा मैनुअली। अभी मैं वैसे लिखने वाला था जैसे कि अभी मैं थ्योरेटिकल लिख रहा था, लेकिन अभी मेरे दिमाग में आया कि ऐसे ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही आपका 7+1 8 आ गया है, आपका 8 का मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, ठीक है। तो ये आ गई है हमारी पहली ट्रिक, ठीक है, पहली ट्रिक हो चुकी है हमारी ये। अब जैसे 8 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा 16, ठीक है, 16 आंसर आया। अब 16 में भी आपको ऐड करना है +1 ऐड करना है, आपका आंसर आ गया 17, ठीक है। अब क्या है, ये जो 17 का 7 है ये आपका हो गया टेंस प्लेस और 1 हो गई कैरी, ठीक है, टेंस प्लेस इक्वल टू 7 एंड 1 कैरी। देखिए दोस्तों हुआ, आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल बोर नहीं हो रहे होंगे, अच्छे से मेरे संग सीख रहे होंगे ये सारी वीडियोस। तो देखते रहिए और आगे देखिए, जैसे कि आपका 7 आ गया कैरी 1 हो गई है, तो कैरी 1 आगे चली जाए चार जा चुकी है। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 कहता है कि आपको सेम चीज़ करनी है जो आपने पहले की थी, यानी मतलब 7+1 सेम करना है आपको, आंसर आ जाएगा आपका 8, ठीक है। लेकिन इस बार आपको 8 का मल्टीप्लाई 2 के बजाय करना पड़ेगा उस नंबर से जो टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे आपका नंबर 7 है, या फिर जो स्क्वायर के टेंस प्लेस पे है वो नंबर 7 है, यानी कि ये वाला नंबर, इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाई हम डायरेक्टली इसमें कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा 56 आंसर आ गया। लेकिन इस वाले जो आपका आंसर आया स्टेप 2 में, इसमें आपको 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब डायरेक्टली हम इन आंसर्स को लिख देते हैं। लिख कैसे देते हैं,
देखते हैं लास्ट पे वंस प्लेस पे हमारा आंसर है 6, टेंथ प्लेस पे है 7 और 1 कैरी है। हाँ, और अब हमारा आंसर आया 56, 56 में हम कैरी जोड़ देंगे हो जाएगा 57, तो 5776 आ चुका है ये हमारा आंसर। ये ट्रिक देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है, जल्दी से निकलने वाली ट्रिक है, थोड़ी मेहनत जरूर चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए पड़ेगी। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आ रही होंगी, आ ही नहीं होंगी इसमें आशा करना, क्योंकि हमारी ट्रिक्स रहती हैं बढ़िया, हम ऐसी चीज़ें लाते हैं जो कि अभी तक नहीं आई हुई हैं। तो चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल टू ले लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। 36 ले लेते हैं, ठीक है, 36 का स्क्वायर करना है, सेम तरीके से करेंगे हम, इस बार थोड़ा मैं फास्ट रहूँगा। तो एट लास्ट हमें 6 रखना ही है, वो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 1, 3 का जो नंबर है उसमें एक और नंबर जोड़ देंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली 4 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 2 से, ठीक है, तो 4 2 आ जाएगा हमारा 8। सेकेंड स्टेप था, जो भी नंबर है हमारे पास 3 + 1 हमें फिर करना पड़ेगा, आ जाएगा 4, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस नंबर से जो हमारा टेंस प्लेस पे है। तो टेंस प्लेस पे हमारा नंबर है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब जब हम जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा हमारा 12, ठीक है, ये दो डिजिट्स हमारी आ चुकी हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी, अब हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 12, लेकिन हाँ एक स्टेप लगता है, मैंने मिस कर दिया। 4 × 2 जब हम करेंगे 8 आ जाएगा, 8 के बाद हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें +1, हाँ ये स्टेप थोड़ा मैं मिस कर गया, इसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, और जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 9, ठीक है, 9 आ जाएगा हमारा आंसर। और अब आपका आंसर कैसे हो जाएगा, 1 2 9 6, कैसे, 1 2 तो हमने लिख दिया, यहाँ से 9 आ गया हमारा टेंथ डिजिट, और 6 को हम वंस प्लेस पे रखते ही रखते हैं, तो ये आ गया हमारा आंसर। हाँ, इस सेकंड वाले एग्जांपल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, मैं वन स्टेप को करना भूल गया था, लेकिन 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 ये थी आज की हमारी पहली, आज की हमारी दो ट्रिक्स, ये थी रिलेटेड टू स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, ये था हमारा सेक्शन 1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का, ये थी हमारी वीडियो, पहली वीडियो। तो फिर आपको ये वीडियोस पक्के में पसंद आई होंगी, हाँ हाँ हाँ, आप देख लीजिएगा इस पूरे एक्सप्लेन्ड की पूरा जो पेज है, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड लिंक मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है इसे डाउनलोड कैसे करें आप, तो वहाँ जाके इसे कर लीजिए डाउनलोड, और इस पे करिए प्रैक्टिस, कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे ट्रिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलिए सीधा डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। मेंशन करता हूँ, कोशिश करता हूँ, होप करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, बिल्कुल बोर नहीं हुए होंगे आप, और जो जो उन लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखी है, यहाँ तक आए हैं, उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी याद दिला दूँ आपको, हमारे नए नए कोर्सेज आने वाले, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड अब एक कोर्सेज हमारा चल ही रहा है, वो हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, बीच में पॉज हो गया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, होप करता हूँ वीडियो आपको इंगेजिंग लगी होगी। कोई कमेंट आपको चाहिए, कोई कमेंट आप करना चाहते हैं हमें कोई इंप्रूवमेंट बताना चाहते हैं तो आप वेलकम है, बताइए। कोई नई चीज़ आप चाहते हैं कि हम ऐड करें तो यू आर वेलकम, आप हमें बताइए, मैं अपनी डिटेल्स आपको लिंक में, अपनी डिटेल्स वगैरह आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कुछ भी आप मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे बारे में पूछना चाहते हैं, या फिर थोड़ा फ्रेंडली होना चाहते हैं, चैनल के बारे में पूछना चाहते हैं, मैं क्या क्या करता हूँ इसे पूछना चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए सब पूछना चाहते हैं, तो मैं वहाँ पे रहूँगा, आपके लिए प्रेजेंट रहूँगा। तो अगर आपको हमारे किसी कोर्सेज वगैरह किसी बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ 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 रेफर करें हमारे लिंक को, या फिर मेरा नंबर नीचे होगा वहाँ पे आप रेफर करें। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए, फिर कह रहा हूँ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।